हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों, आज ये वीडियो के अंदर बहुत एक इम्पोर्टेंट सर्विस मोड का सेटिंग्स आपको देखाऊंगा कि जो लोगो होता है कंपनी का लोगो, चाइना पीसीबी के अंदर ये लोगो सेटिंग्स करने के लिए बहुत कुछ सिस्टम है। नॉर्मल जो सिस्टम बहुत पीसीबी के अंदर देखा जाता है कि टीवी को एवी मोड पर रखना पड़ेगा और उसका बाद मेनू 6483 दबाने का बाद वो लोगो चेंज करने का ऑप्शन आ जाता है। जब वो कोड दबाने का बाद सर्विस मोड ओपन हो जाता है तो वो चैसिस का लोगो कैसे सेट किया जाता है, इसके ऊपर ये वीडियो। अब ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखेगा तो सर्विस मोड के अंदर बहुत कुछ नॉलेज मिल जाएगा मेनली न्यू टेक्नीशियन को। तो दोस्तों, चलिए मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आप देखिए, ये जो टीवी आप देख रहे हो 17 इंची, ये जो कंपनी का लोगो है, ठीक है। ये जो लोगो आप देखिए कैबिनेट का ऊपर, तो टीवी ऑन करने का साथ साथ स्क्रीन पर वो लोगो बहुत टीवी के अंदर देखा जाता है। तो चलिए, एक बार ये टीवी को मैं स्टैंड बाई से ऑन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, मैं ये टीवी को स्टैंड बाई से ऑन किया और देखिए टीवी ऑन हो गया, सिर्फ ओनली एफ ही देखा स्क्रीन पर देखा जाता है, ठीक है। बट ये टीवी का जो नाम है ये नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी चैनल के अंदर 3-4 वीडियो बना के रखा है। अब कैसे टीवी का, कुछ भी टीवी हो सकता है, उसका नाम आप लिख सकते हो, नाम का साथ आपका नाम भी ऐड करना चाहता हो तो किस तरह ऐड किया जाता है, और आपका मोबाइल नंबर भी स्क्रीन के ऊपर ऐड कर सकते हो। बट वो जो तरीका आपको दिखाया कि मार्केट के अंदर कुछ पीसीबी दिखा जाता है जो वो चाइना कीटी है, तब भी वो कोड दबाने का बाद जो इसका लोगो होता है वो ओपन नहीं होता है, ठीक है। क्या ओपन होता है कि इसका फैक्ट्री मोड ओपन हो जाता है, जो सर्विस मोड वो ओपन हो जाता है। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। और ये देखने का पहले आपको जो दिखाऊंगा, देखिए मेरा पास ये एक रिमोट है, ठीक है। और ये रिमोट का अंदर कुछ भी जो सर्विस मोड ओपन करने का बॉटम नहीं है। बट आप देखिए, मेरा पास ई आर एक टाइप रिमोट है, ठीक है। देखिए मेरा पास दो टाइप रिमोट है, ठीक है। आपको अच्छा करके देखना पड़ेगा कि ये जो रिमोट आप देखिए, ये रिमोट का अंदर इस तरह एक छेद देखा जाता है, यहाँ पर कुछ भी इसी तरह आप पुश करेगा तो इसका सर्विस मोड ओपन हो जाता है, टीवी का सर्विस मोड ओपन हो जाता है। तो दोस्तों, ये चाइना पीसीबी के अंदर ये रिमोट यूज़ होता है अधिक। और मेरा पास ये जो रिमोट, ये यूनिवर्सल, ये चाइना पीसीबी के अंदर यूज़ होता है, बट इसका अंदर एक स्मूथ बॉटम है। तो ये स्मूथ बॉटम पुश करने का बाद टीवी का सर्विस मोड ओपन हो जाता है। जिसका पास ये रिमोट नहीं है, ये रिमोट देखा जाता है, ये रिमोट के अंदर ये जो छेद देखा जाता है, ये छेद पुश करने का बाद उसका सर्विस मोड ओपन हो जाता है। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो इसीलिए ये रिमोट का बैटरी मैं ओपन करके रखा है, तो चलिए मैं बैटरी एक बार कनेक्शन कर देता हूँ। देखिए बैटरी कनेक्शन किया, और कनेक्शन करने के बाद ये जो छेद देखिए, ये छेद पर आपको पुश करना पड़ेगा इस तरह। देखिए इस तरह पुश करने के बाद इसका फैक्ट्री रिमोट ओपन हो जाता है। और उसका बाद आपको दोबारा जब पुश करेगा तो और एक चार्ट आ जाएगा, ठीक है। ये F0PH है। और आप रिमोट का जो म्यूट बॉटम है, देखिए जो म्यूट बॉटम है, ये म्यूट बॉटम पुश करने का बाद देखिए ब्लैक हो गया। दोबारा मैं पुश किया, तो चलिए वन बॉटम पुश करके दिखाता हूँ। देखिए वन बॉटम पुश किया, इसका F1 पेज ओपन हो गया। इस तरह F1 2 बॉटम पुश करने का बाद देखिए F2 पेज ओपन हो गया। 3 बॉटम पुश करने के बाद इसका पेज 3 ओपन हो गया। तो दोस्तों, उसके बाद 4 बॉटम पुश करने के बाद देखिए 4 नंबर पेज ओपन हो गया। तो दोस्तों, चलिए आपको दोबारा दिखाता हूँ 3 नंबर बटन पुश करके। तो दोस्तों देखिए, 3 नंबर जो F3 पेज में ये ओपन किया आप देखिए, और उसका ये पेज का नीचे देखिए, ये पेज का नीचे देखिए जो 0 ऑप्शन है, ठीक है। ये 0 होगा तो इसका जो नेक्स्ट पेज F4 5 ये ओपन नहीं होता है, ठीक है। बहुत पीसीबी का अंदर, टीवी का अंदर, तो ये एफ पेज को आपको इस तरह ये प्रोग्राम माइनस बटन पुश करके इस तरह
जीरो को वन काट दीजिए, ठीक है। वन करने के बाद इसका जो नेक्स्ट पेज देखिए, मैं म्यूट बॉटम दबा के भी ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए चार नंबर पेज ओपन हो गया, और दोबारा मैं दिखाता हूँ एफ, देखिए म्यूट बॉटम दबाने के बाद F5 ओपन हो गया। इस तरह आप खुद ही देखिए, मैं मेनू बॉटम पुश करके आपको दिखाता हूँ कि देखिए इसका 19 तक पेज इसका ओपन हो गया, ठीक है। इसका अंदर बहुत कुछ सेटिंग है, एक एक सेटिंग आपको डिटेल्स बताने के लिए 10-15 मिनट के ऊपर एक एक वीडियो हो जाएगा। मेनली आपको ये जो सेटिंग्स है, ये सेटिंग्स के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट जो सेटिंग्स दिखाऊंगा कि लोगो चेंज प्रॉब्लम जो आपका पास आएगा चाइना पी3 का, ठीक है। तो चलिए मैं नेक्स्ट इसी टाइम म्यूट बॉटम पुश करके आपको देखिए F1 पेज पर लेके आया, ठीक है। तो आपको ये वीडियो के अंदर जो दिखाना चाहता हूँ कि चलिए इसका सर्विस मोड मैं आउट कर देता हूँ। देखिए मेरा पास ये जो रिमोट है, ये रिमोट का डिस्प्ले बॉटम पुश करेगा तो सर्विस मोड ओपन हो जाएगा। ये रिमोट का अंदर भी एक डिस्प्ले बॉटम है, ये देखिए येलो वाला, ये पुश करने के बाद सर्विस मोड ओपन क्लोज हो जाएगा, और ये छेद पुश करने के बाद भी सर्विस मोड क्लोज हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम ये रिमोट लेके ही आपको दिखाया, और ये रिमोट लेके ही देखिए इसका ये जो छेद देखा जाता है, ये पुश करके इसका सर्विस मोड देखिए, एक बार पुश किया, देखिए दोबारा पुश करने के बाद इसका सर्विस मोड आउट हो गया। इस तरह आपको सर्विस मोड आउट करना पड़ेगा सब कुछ काम करने के बाद। चलिए मेरा पास ये जो रिमोट है, ये रिमोट लेके आपको डायरेक्ट इसका स्मूथ बॉटम है, ठीक है, ये रिमोट का स्मूथ बॉटम है। तो आपको दिखाना चाहता हूँ, आप देखिए अच्छा करके, ये देखिए ये स्मूथ बॉटम है। मैं बहुत वीडियो के अंदर दिखाया, ठीक है, चुहा ने इसको थोड़ा काट दिया, कोई बात नहीं। ये स्मूथ बॉटम पुश करके इसका सर्विस मोड ओपन करूँगा, देखिए देखिए सर्विस मोड ओपन हो जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं, फिर भी पुश किया, देखिए इसका आउट कर दिया। तो दोस्तों मेनली ये वीडियो मैं जिसी का रीजन से मैं बनाता हूँ, इसका जो मेन रीजन है, देखिए फर्स्ट आपको जो देखा है दोबारा दिखाता हूँ। देखिए टीवी को मैं स्टैंड बाई कर देता हूँ, देखिए मैं स्टैंड बाई कर दिया, ठीक है। स्टैंड बाई करने के बाद चलिए मैं दोबारा स्टैंड बाई से ऑन कर देता हूँ, ठीक है। स्टैंड बाई से ऑन कर दिया, देखिए टीवी के अंदर कुछ भी नाम लोगो कुछ भी नहीं आ रहा है। मान लो ये जो लिखा है JEYOO इस तरह लिखा है, TLG वीडियोकॉन सैमसंग कुछ भी हो सकता है। मेन इसका जो PCB है चाइना होगा, तो तब भी इसका अंदर इस तरह सेटिंग आप कर पाओगे। इसका जो फर्स्ट जो सिस्टम होता है नाम लोगो चेंज करने के लिए, क्या करना पड़ेगा कि देखिए रिमोट लेके फर्स्ट ये स्क्रीन पोजीशन को देखिए, ये भी मोड पर रखना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए ये ऑटो मोड पर है, यह पर नहीं होगा, तो इसीलिए देखिए ये भी वन और टू कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये भी मोड पर रखना पड़ेगा। उसके बाद मेनू और 6483, तो दोस्तों यही एक सबसे बड़ा फॉल्ट है। मेनू 6483 दबाने के बाद बहुत चाइना PCB के अंदर ये लोगो चेंज करने का ऑप्शन आ जाता है, बहुत PCB के अंदर ये फैक्ट्री लिखा जब आ जाएगा तो कैसे वो चेंज होगा। इसका ऊपर मेरे चैनल के अंदर भी कमेंट देखा, और मन में लगता है कि जब इस तरह TV मेरा पास कभी आएगा तो उसका ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों अभी ये मौका मिला तो इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। ये वीडियो न्यू टेक्नीशियन पुराना टेक्नीशियन भी हो सकते हैं, आप शुरू से लास्ट तक देखेगा तो सर्विस मोड का ऊपर बहुत सा अलग सा नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों क्योंकि ये प्रॉब्लम के ऊपर मैं बहुत दोस्त को की कॉल किया और पूछा कि जब इस तरह लिखा जाएगा तो वो PCB का लोगो मैं कैसे चेंज करूँगा, तो सही से आंसर मैं किसी का पास नहीं मिला, ठीक है दोस्तों। तो चलिए कोई बात नहीं, देखिए मेनली ये जो सर्विस मोड ओपन हो गया, अब को क्या देखा है मेनू 6483 पुश करके, ठीक है। तो चलिए ये सर्विस मोड को मैं क्लोज कर देता हूँ। तो दोस्तों देखिए उसका बाद एक कोड है, क्या कोड है तो आपको दिखाता हूँ। उसका बाद एक कोड है मेरा पास लिख के रखा है 4863, ठीक है, कभी कभी ओनली सॉरी 2483, देखिए ओनली मैं 2483 पुश किया, कुछ भी रिस्पॉन्स यहाँ पर नहीं आ रहा है, ठीक है।
ठीक है, तो दोबारा आपको करके दिखाता हूँ, मेनू बटन पुश करके, मेनू 2 4 8 3। देखिए जब मैं मेनू बटन पुश किया और 2 4 8 3 पुश किया तो इसका फैक्टरी मोड ओपन हो गया। फर्स्ट आपको किया देखा मेनू बटन पुश करने के बाद 2 4 8 3 पुश करके, दो तरीका सर्विस मोड ओपन करने के लिए आपको इस टाइम देखा है, बट इसका लोगो ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा है। तो चलिए सर्विस मोड को मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। और टीवी का जो वॉल्यूम माइनस बॉटम होता है, अभी इसी टाइम इसका वॉल्यूम माइनस बॉटम काम नहीं कर रहा है, तो टीवी का वॉल्यूम माइनस बॉटम आपको दबा के रखना पड़ेगा। और उसका साथ ये रिमोट का जो डिस्प्ले बॉटम है, ये डिस्प्ले बॉटम को एक साथ पुश करने का साथ साथ भी सर्विस मोड ओपन हो जाता है। क्लियर हो गया, इतना तरीका है सर्विस मोड ओपन करने के लिए। तब भी ये चैसिस का अंदर जो देखा कि इसका लोगो चेंज करने का ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? तो इसीलिए दोस्तों आपका सर्विस मोड का अंदर एक ऑप्शन है, वो ऑप्शन को चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए मैं फर्स्ट सर्विस मोड को ही ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए मैं फैक्ट्री ओपन किया और उसके बाद दोबारा ये चार्ट को ओपन किया, और देखिए ये एप पेज को मैं ओपन किया। आपको जाना पड़ेगा डायरेक्ट, मैं 4 बटन पुश करके आपको ले के आया कि देखिए ये F4 जो पेज है इसका अंदर देखिए ये जो लोगो 0 है, ये लोगो 0 का आपको ऑन करना पड़ेगा, NOSD लोगो को आपको ऑन करना पड़ेगा, और डिस्प्ले पोजीशन को भी आपको चेंज करना पड़ेगा। देखिए मैं तीन ऑप्शन को चेंज कर रहा हूँ। प्रोग्राम माइनस बॉटम पुश करके आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए मैं लोगों को सिलेक्ट किया और वॉल्यूम प्लस बॉटम पुश करके ये लोगों को मैं 2 कर दिया। देखिए कुछ कुछ PCB का अंदर ये 2 आप 3 तक कर सकते हो, बट देखिए 3 नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मैं एक बार पुश किया, दो बार पुश किया, 2 कर दिया, ठीक है। और उसके बाद देखिए NOSD लोगो इसका नीचे जो ऑप्शन है, देखिए ये 0 है, इसको भी मैं 2 कर दिया। क्लियर हो गया। और ये डिस्प्ले पोजीशन जो 0 है, ये डिस्प्ले पोजीशन को मैं 1 कर दिया। क्लियर हो गया। ये चार्ट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब ये सर्विस मोड के अंदर मैं सेटिंग कर दिया, तो सर्विस मोड से बाहर आना पड़ेगा। तो चलिए मैं सर्विस मोड से बाहर आ जाता हूँ। देखिए दोस्तों जब मैं सर्विस मोड से बाहर आ गया, ये टीवी का अंदर स्क्रीन का ऊपर देखिए किस टाइप का एक लोगो है, ठीक है, ये आ गया। तो दोस्तों मान लो ये JEYO टीवी है, ठीक है, सोनी फिलिप्स कुछ भी हो सकता है, कुछ भी स्टिकर हो सकता है, वो आप लिख सकते हो ये पोजीशन के अंदर। क्लियर हो गया। तो किस तरह आप वो जो लिखने का जो ऑप्शन वो आएगा, किस तरह आपको लेके आना पड़ेगा। देखिए ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन का ऊपर क्या दबाना पड़ेगा, चलिए मैं आपको करके देखता हूँ कि 2 4 8 3 दबा के। देखिए मेरा पास ये जो रिमोट है, देखिए 2 4 8 3, कुछ भी रिस्पांस नहीं मिला। तो चलिए मैं मेनू बटन पुश किया, उसके बाद 2 4 8 3, देखिए दोस्तों फिर भी सर्विस मोड ओपन हो गया। तो क्या करना पड़ेगा? तो कोई बात नहीं, ये सर्विस मोड को दोबारा हटाना पड़ेगा। मैं सर्विस मोड को आउट कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों काम करना अलग बात है और वीडियो बनाना अलग बात है, क्योंकि सर्विस सेंटर पर काम करते करते वीडियो बनाना और कस्टमर को ट्रैवल करना भी बहुत प्रॉब्लम आ जाता है, इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा थोड़ा काट करना ही पड़ेगा क्योंकि एक्स्ट्रा साउंड ना आ जाए। तो कोई बात नहीं, ये जो ऑप्शन आपको ओपन करके देखाया, तो चलिए आपको बहुत क्लियर करके दिखाता हूँ। देखिए मैं मेनू चार्ट पुश किया, इसका मेनू चार्ट इस तरह आता है, ठीक है। और ये आपको इस टाइम दिखाऊंगा कि टीवी भी बॉटम पुश करके कि देखिए ये भी 2 AV1 और ऑटो ये मैं सेट किया, ठीक है। तो दोस्तों ये AV1 AV2 ये सब आप सेट कर सकते हो आसानी से, क्योंकि आपको सर्विस मोड पर जाना पड़ेगा, ठीक है। सर्विस मोड का अंदर आप देखिए ये अलग अलग पेज पर भी ऑप्शन देखा जाता है। देखिए इसका 5 नंबर पेज पर देखिए
VIF0RF AGC30AV2 देखिए 1, ठीक है। और ये देखिए अलग अलग बहुत ऑप्शन है, BG0 है तो मैं BG को 1 कर देता हूँ, और ये IK DK M ये सब ऑप्शन आप 1 करके रखेगा तो कुछ भी रीजन से ये ऑप्शन मेनू चार्ट से चेंज हो जाएगा तो, और सिस्टम बॉटम से चेंज हो जाएगा तो साउंड का प्रॉब्लम होगा, कलर का प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आपको ये अभी तो इंडिया पर सभी ए वी मोड पर चलता है, तो देखिए ये ए वी को मैं 1 करके रखा है, ठीक है। 1 करके रखने का बाद सर्विस मोड से मैं बाहर आ जाता हूँ, तो उसके बाद टी वी ए वी बॉटम पुश करने का बाद इस तरह स्क्रीन पर देखा जाएगा, ठीक है। ए वी 2 देखिए, ए वी ऑटो 3 एक्चुअली ऑटो, और देखिए ए वी 1, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ये ए वी 1 पर आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए मैं फिर भी ए वी 1 पर, ए वी 1 पर रखा है, ठीक है। रखने के बाद आपको पुश करना पड़ेगा 2 4 8 3, देखिए कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया, फिर भी 2 4 8 3। तो दोस्तों देखिए, फर्स्ट टाइम जब मैं पुश किया 2 4 8 3 कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिला, नेक्स्ट टाइम जब मैं पुश किया तो 2 4 8 3 पुश करने के बाद इस तरह ऑप्शन देखा जाता है। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन आया, ये ऑप्शन पर ही आप कुछ भी लोगो चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आपको ये ऑप्शन को दोबारा ओपन करके और क्लोज करके दिखाता हूँ। ये रिमोट का डिस्प्ले बटन पुश करेगा तो ये चार्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोबारा आपको दिखाता हूँ, टी वी ए वी बॉटम पुश करके आपको ओनली ए वी मोड पर रखना पड़ेगा। ए वी 2 भी हो सकता है, ठीक है, और ए वी 1 भी हो सकता है, और उसके बाद आपको दबाना पड़ेगा ओनली 2 4 8 3। देखिए पुश किया कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है, 2 4 8 3। आपको साथ साथ दो बार पुश करना पड़ेगा, एक बार पुश करने का बाद आ जाएगा तो बहुत ही बढ़िया बात है, और नहीं आएगा तो आपको दोबारा साथ साथ 2 4 8 3 पुश करना पड़ेगा। देखिए जब मैं पुश किया, आपको देखना पड़ेगा बहुत अच्छा करके किया, पर देखिए ऑफ ऑप्शन है, सॉरी देखिए यहाँ पर ऑफ ऑप्शन है, 1 साइज कूल मतलब कलर, और ये मूव ऑप्शन है, और नीचे देखिए ये ऑफ है, 2 साइज कूल और मूव, एक्चुअली कलर और मूव, ये दोनों ऊपर और नीचे जो दो ऑप्शन है, आप दोनों ऑप्शन आप लिख सकते हो। तो चलिए ये 1 जो साइज है इस आप ऊपर साइड लिख सकते हो, और 2 जो ऑप्शन है आप नीचे साइड लिख सकते हो। देखिए ये रेड ऑप्शन ऑफ ये सिलेक्ट है, मैं ये रिमोट का वॉल्यूम प्लस बटन पुश करके वो ऑफ को मैं ऑफ ऑन कर देता हूँ। देखिए जब मैं ऑन किया वॉल्यूम प्लस बटन पुश करके, तो इस तरह एक लाइन आ गया, और उसके बाद चलिए आपको दोबारा आउट दिखाता हूँ मेनू बटन पुश करके, ठीक है। देखिए मेनू बटन पुश किया तो ये मूव हो जाता है, ये रेड ऑप्शन मूव हो जाता है, चेंज हो जाता है। देखिए फिर भी मेनू बटन पुश किया, देखिए साइज पर चला गया, फिर भी मेनू बटन पुश किया, ये कलर ऑप्शन पर चला गया, फिर भी मूव ऑप्शन पर पुश किया, ये मूव ऑप्शन पर चला गया, सॉरी फिर भी मेनू बटन पुश कर रहा हूँ, तो दोस्तों देखिए नीचे ऑफ ऑप्शन पर आ गया। तो जब ये ऑप्शन का ऑन करना चाहता हूँ तो वॉल्यूम प्लस को आपको पुश करना पड़ेगा। देखिए वॉल्यूम प्लस को पुश किया, ये लिखने के लिए एक लाइन आ गया, तो ये नीचे का और ये ऊपर का। तो दोस्तों ये नीचे लाइन अभी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपका नाम भी लिख सकते हो, आपका मोबाइल नंबर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए ये ऑप्शन को मैं ऑफ कर देता हूँ, ये मैं ऑन किया, देखिए वॉल्यूम माइनस पुश करके मैं ऑफ कर देता हूँ। ओके क्लियर हो गया। तो ये जो ऊपर वाला जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन को मैं लिखना चाहता हूँ किस तरह, आपको ये जो ऑप्शन देखिए ऑफ रेड ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट है, ये ऑप्शन को आपको ये ऑन ऑप्शन पर लेके जाना पड़ेगा, और उसके बाद ऑन पर लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको मेनू बटन पुश करना पड़ेगा। देखिए मेनू बटन पुश किया, देखिए ये ऑन पर सिलेक्ट है, और उसके बाद फिर भी मेनू बटन पुश किया, तो दोस्तों देखिए ये ऑन पर सिलेक्ट हो गया। जब ये ऑन पर सिलेक्ट हो जाएगा तो आप ये जो डॉट 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 पॉइंट है, कुछ भी ऑप्शन को आप लिख सकते हो, किस तरह ये प्रोग्राम और माइनस जो दोनों ऊपर का बॉटम है, ये बॉटम चेंज करके। देखिए मैं चेंज कर रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ। देखिए ऊपर का बॉटम पुश किया, देखिए किस तरह ये लिखा गया, तो और चेंज करके दिखाता हूँ। देखिए ये 0 आ गया, देखिए 1 आ गया,
इस तरह। तो दोस्तों ये पोजीशन पर मैं कुछ भी लिखना नहीं चाहता हूँ, तो इसलिए फिर भी पूरा माइनस बटन पुश करके मैं सेम तरह ये काट दिया। तिया पर जो कंपनी का नाम है JEYOO, 3, 4 या 5 लेटर है, तो मैं 5 लेटर 1, 2, 3, 4, 5 मैं यहाँ से लिखूँगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन पर जाने के लिए आपको वॉल्यूम प्लस बॉटम पुश करना पड़ेगा। देखिए वॉल्यूम प्लस बॉटम पुश किया, यहाँ पर सिलेक्ट किया और ये ऑप्शन को मैं जे करूँगा, ये प्रोग्राम प्लस बॉटम पुश करके। देखिए मैं कंटिन्यू पुश कर रहा हूँ, एक एक करके पुश करते 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 जब जे आएगा मैं छोड़ देता हूँ, ओके। उसका बाद मैं ये ऑप्शन पर जाऊँगा, ठीक है, इसीलिए वॉल्यूम प्लस बॉटम पुश करना पड़ेगा। देखिए वॉल्यूम प्लस बॉटम एक बार पुश किया और उसका बाद ई लिखना पड़ेगा। तो देखिए मैं प्रोग्राम प्लस का जो बॉटम है ये पुश करते करते देखिए मैं क्या करूँगा, ई करूँगा, क्योंकि इसका ये छोटा सा ई है, देखिए छोटा सा ई है, तो छोटा सा ई कर दिया। उसका बाद वाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसका वॉल्यूम प्लस पुश किया और इसको मैं वाई करना चाहता हूँ, तो इसका वाई बड़ा साइज है, तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा दबा के रखता हूँ और इस तरह बहुत कुछ लिखा आ जाता है। तो देखिए ये दबा के रखने के बाद ऑटोमेटिक सब कुछ चेंज हो जाएगा। देखिए मैं वाई किया और उसका बाद डबल ओ है, ठीक है। तो वॉल्यूम प्लस को पुश किया और इसको मैं ओ हो गया, ठीक है। और उसका बाद और एक ऑप्शन है, इसको मैं ओ कर दिया, ओके हो गया। तो दोस्तों इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो, किस तरह देखिए, जब ये कंप्लीट हो गया आपको मेनू बटन पुश करना पड़ेगा। देखिए इसका ये साइज हो गया, आप साइज भी इसका छोटा बड़ा कर सकते हो वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस बॉटम पुश करके। देखिए इतना छोटा हो गया, माइनस बॉटम पुश किया और प्लस बॉटम पुश किया तो ये बड़ा हो गया, ठीक है। और इसका देखिए मिडिल साइज हो गया, तो मैं बड़ा करके रखना चाहता हूँ, ओके हो गया। उसका बाद फिर भी मैं मेनू बॉटम पुश करके आपको दिखाता हूँ कि ये मैं कलर ऑप्शन पर लेके गया और कलर ऑप्शन जाने के बाद आप वॉल्यूम प्लस पुश करेगा तो इसका बहुत कुछ इस टाइप कलर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं मैं रेड कलर काट दिया, ओके। तो दोस्तों उसका बाद ये जो मूव ऑप्शन है यहाँ पर जाने के लिए आपको मेनू बटन पुश करना पड़ेगा। मेनू बटन मैं पुश किया, ये टोटल जो लिखा है जो लोग है आप लेफ्ट और राइट साइड मूव कर सकते हो। देखिए वॉल्यूम प्लस माइनस बटन पुश करके आप इस तरह लेफ्ट और इस तरह राइट कर सकते हो, ठीक है। तो ये जब कंप्लीट हो जाएगा लास्ट आपको ये जो डिस्प्ले बॉटम है डिस्प्ले बॉटम दबाना पड़ेगा। तो दोस्तों डिस्प्ले बॉटम मैं दबाया, दबाने के बाद तब भी इसका तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, तो चलिए कोई बात नहीं, मैं स्टैंड बाई करके देखता हूँ। मैं स्टैंड बाई कर दिया, स्टैंड बाई करने के बाद चलिए दोबारा स्टैंड बाई से ऑन कर रहा हूँ, स्टैंड बाई से ऑन किया। तो दोस्तों देखिए ये कंपनी का जो लोगो ये यहाँ पर आ गया। तो दोस्तों चलिए दोबारा स्टैंड बाई ऑफ करके देखता हूँ, स्टैंड बाई से ऑफ किया और दोबारा स्टैंड बाई से ऑन करके देखता हूँ क्या रिजल्ट आता है। तो दोस्तों आप खुद ही देखिए ये कंपनी का जो नाम ये लोगो आ गया। तो दोस्तों ये वीडियो के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आपको शेयर किया आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और ये चैनल पर अब ना है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। तो दोस्तों तब भी आर एक ये देखिए ये क्यों आ जाता है, तो नेक्स्ट वीडियो में ये आपको दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए कोई बात नहीं, ये वीडियो के अंदर ही आपको दिखा देता हूँ कि दोबारा मैं सर्विस मोड ओपन कर लेता हूँ। सर्विस मोड ओपन करने के बाद इसका 4 नंबर पेज पर आपको ले चलता हूँ और यहाँ पर जो दो ऑप्शन है देखिए इसका जो NoSG लोगो, ठीक है, ये पोजीशन को मैं 0 कर दिया जो पहले आपको 2 करके दिखाया। और इसका लोगो मैं अभी टेस्ट कर किया कि चेंज करके ये मैं 1 कर दिया, ठीक है। 2 1 फर्स्ट आपको 2 सिलेक्ट करके देखा, इस टाइम मैं लोगो को 1 कर दिया, ठीक है, लोगो को 1 किया। तो चलिए एक बार क्लोज करके देखता हूँ सर्विस मोड। देखिए दोस्तों सर्विस मोड को मैं क्लोज किया, ये 0 लिखा अभी तक है
और ये बुलिस स्किन का ऊपर ये देखा जाता है, बट ये पोजीशन मूव नहीं कर रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये चेंज नहीं हो रहा है। तो देखिए कोई बात नहीं, स्टैंड बाई और अप करके, स्टैंड बाई करके, स्टैंड बाई किया, दोबारा मैं स्टैंड बाई से ऑन कर रहा हूँ। स्टैंड बाई ऑन करने के बाद देखता हूँ कि क्या रिजल्ट आता है। दोस्तों देखिए ये तो जियो लिखा है और ये अभी चेंज नहीं होगा, और आप देख सकते हो इसका ब्लू स्क्रीन है और इसका जो देखिए जियो लिखा फिर भी आ गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए और थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा एक बार। देखिए मैं दोबारा सर्विस मोड ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, सर्विस मोड ओपन किया, इसका 4 नंबर पेज पर ले जाता हूँ और इसका जो लोगो 1 है ये लोगो 2 कर देता हूँ। ठीक है, ये लोगो मैं 2 कर दिया और क्या रिजल्ट आता है, चलिए मैं डिस्प्ले बटन पुश करके देखिए सर्विस मोड आउट कर दिया और इस तरह लिखा आ जाता है। बट इसका जो चेंज करने का तरीका, जो सेटिंग्स किया वो अभी गायब हो गया है, तो थोड़ा रुकना पड़ेगा, कुछ भी चेंजिंग नहीं आ रहा है, तो क्या बात। तो दोस्तों ये सब नंबर 1, 2, 3 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर है, तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए फिर भी मैं सर्विस मोड ओपन कर रहा हूँ, सर्विस मोड ओपन करने के बाद 4 नंबर पेज पर जाता हूँ और लोगो ऑप्शन जो 2 है ये मैं 1 फिर भी कर दिया और ये 0 करेगा तो कुछ भी लिखा नहीं आएगा। ठीक है, देखिए लोगो को मैं 1 किया, 1 करने के बाद चलिए जो नो एसजी लोगो है इसको मैं 1 कर देता हूँ। ठीक है, दोनों ऑप्शन को, लोगो को और नो एसजी लोगो को मैं 1-1 कर दिया और उसका बाद देखिए सर्विस मोड से हट जाता हूँ। तो देखिए इस तरह ये जियो लिखा मूव कर रहा है और अलग अलग कलर भी आ जाता है। तो दोस्तों इसका दोनों साइड इसका सेटिंग्स भी अलग है, तो इसलिए ये अंदर चला जाता है। तो कोई बात नहीं, ये वीडियो के अंदर आपको जो देखा है कि कैसे आप लोगों चेंज कर सकते हो और आप लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कोई बात नहीं, चलिए मैं फिर भी ये सेटिंग को एडजस्ट कर देता हूँ कि सर्विस मोड ओपन करके फिर भी इसका 4 नंबर पेज पर जाना पड़ेगा। जाने के बाद नोएस जी जो लोगो है ये लोगों को मैं 0 कर देता हूँ। ठीक है, 0 कर दिया और देखिए डिस्प्ले पोजीशन को मैं 1 कर देता हूँ। करने के बाद देखिए मैं सर्विस मोड आउट कर देता हूँ, क्या रिजल्ट आता है आप खुद एक बार देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये ब्लू स्क्रीन का ऊपर है, तो दोस्तों आप ब्लैक स्क्रीन का ऊपर भी ये रख सकते हो। ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो दोस्तों एक बार देखिए, वीडियो लाइन देने का बाद ये लिखा हट जाएगा ऑटोमेटिक और वीडियो भी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब खुद ही देख लीजिए जब वीडियो लिखा चला जाएगा। ठीक है, वीडियो लिखा चला जाएगा तो वो कंपनी का लोगो वो फिर भी आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो फुल वॉच करने के लिए।